हमारे सेंट जॉन एम्बुलेंस की हरियाणा के 20 जिलों से आए हुए 115 टीम है और सबसे आगे जिला अंबाला फरीदाबाद और उसके बाद फतेहाबाद के एम्बुलेंस ब्रिगेड डिवीजन, फतेहाबाद के बाद जिला गुरुग्राम, जी हाँ गुरुग्राम जिला जिसे जाना जाता है अपने कार्यों के लिए, और उसके बाद आ गया है जिला हिंसा, जिला हिंसा के टीम इस समय मंच के आगे से गुजरते हुए जो हमारे सेंट जॉन एम्बुलेंस के ध्वज को जहाँ पर सलामी दे रहे हैं वही माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे माननीय आदि सलामी को स्वीकार कर रहे हैं, और अब झज्जर जिला हाल ही में बना जिला झज्जर और झज्जर के बाद फिर वो रणभूमि हमारे पास आती है जिला कुरुक्षेत्र जिसे जाना जाता है हमारे ज्ञान सरोवर के लिए, हमारे पितृ देवताओं के लिए जाना जाता है, और फिर हमारा नव निर्मित जिला जिला मेवात, और मेवात के बाद पलवल की टीम इस समय मंच के आगे से गुजरने के लिए तैयार है, मेवात की सलामी दी है, और उसके बाद जिला पलवल के हमारे एम्बुलेंस ब्रिगेड डिवीजन में हमारे नर्सिंग ब्रिगेड डिवीजन की जो टीम है जिला पलवल के बाद जिला पंचकुला और उसके बाद जिला पानीपत धीरे धीरे हमारे सलामी स्थल पर बैठे हुए मुख्य अतिथि महोदय की सलामी को स्वीकार कर रहे हैं। जिला पानीपत के बाद जिला महेंद्रगढ़ का पड़ोसी जिला रेवाड़ी इस समय मंच के नजदीक पहुंच चुका है, और उसके बाद नंबर आता है जिला और रोहतक के बाद सिरसा की टीम मंच के आगे पहुंचने के लिए तैयार है, जिला सिरसा की टीम इस समय मंच के आगे से गुजर रही है, धीरे धीरे सभी टीमें मंच के आगे से गुजरते हुए आगे अपना स्थान ले रही हैं। जिला सोनीपत और सोनीपत के बाद जिला यमुनानगर की टीम मंच के आगे से गुजरने के लिए तैयार है, और सबसे अंत में जैसा कि एक परंपरा रहती है कि होस्ट टीम सबसे आखिर के अंदर रहती है, जिला महेंद्रगढ़ बहुत सुंदर रूप में ये आयोजन यदुवंशी शिक्षा निकेतन विद्यालय में जिला महेंद्रगढ़ की टीम इस समय मंच के आगे, उसके बाद हमारे नेतृत्व अग्रणी संस्था शिक्षण संस्था सेकेंड स्कूल के बच्चे बैंड के साथ बैंड की टीम को बहुत सुंदर रूप में हमारे मार्च पास की ब्रिगेड को कदम से कदम मिलाने के लिए यहाँ पर अपने फोन दे रही है, हमारे बैंड के साथ सलामी देते हुए बताई है। Oh, 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 oh
यहाँ पर बड़ी विशेष उपलब्धियां हैं जो नारों के इतिहास में आज लिखी जाएगी। जितना पार्टिसिपेशन नारों में आज हो रहा है, जो आज के अनेक अनेकों से इतिहास में इतना पहले कभी नहीं हुआ। लगभग 700 प्रतिभागी हैं और 115 के लिए यहां भाग लेंगे, जो कि पिछले वर्ष 106 के लिए पानीपत में पहुंची थी। एक बात मैं जरूर यहां कहना चाहूंगा कि जो ये सेंट जोन की ब्रिगेड की टीमें हैं, इनको हर प्रकार की फैसिलिटी देंगे। किसी भी आपदा के अंदर किस प्रकार से लोगों की मदद की जाती है, किसी भी सिचुएशन में किस प्रकार से लोगों की सेवा कर सकते हैं, ये सब प्रकार की ट्रेनिंग दे करके उनको पहले जिले स्तर पर इस प्रकार की प्रतियोगिताएं होती है और उसके बाद ये राज्य स्तर पर प्रतियोगिताएं होती है और उसके बाद जो इनमें से टीमें आती है वो नेशनल लेवल पर टीमें आती है। इस प्रकार की हमारी परिपाटी है। जो टीमें जिले लेवल पर फर्स्ट सेकेंड थर्ड आती है वही टीमें यहां पर पहुंचती है। जितनी मेंबरशिप की संख्या आपकी बात इस वर्ष में हुई है वो पिछले सारे बात करते हुए हमारी मेंबरशिप इस वर्ष पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा हुई है। जहां तक फर्स्ट एड की ट्रेनिंग की बात आती है, पूरे विश्व में जो ट्रेनिंग होती है उसके बाद पूरे जो कंट्री के अंदर ट्रेनिंग होती है, पूरे हिंदुस्तान की जो ट्रेनिंग होती है वो ट्रेनिंग आती है लगभग 3.5 लाख पूरे हिंदुस्तान में। और हरियाणा की ट्रेनिंग आती है, हरियाणा प्रदेश की ट्रेनिंग आती है 2.5 लाख। पिछले 16 साल से नेशनल लेवल के ऊपर हरियाणा प्रदेश देश की पहली शीर्ष लेवल पर आता है। ये सब जो शिक्षण संस्थाएं हैं हमें सहयोग करती हैं और मैं यहां मंच पर मुख्य अतिथि महोदय को बताना चाहता हूं कि अभी गेरला के अंदर जो हालात पैदा हुए थे, हरियाणा प्रदेश के 5 से 6 जिले वॉलेंटियर आज भी देखिए सामान जो जिस पोजिशन में लोग लेकर जाते थे उसकी पैकिंग करना, उसको सामान को लोड करना, वहां लोगों तक पहुंचना, कम से कम 40 से 50 वॉलेंटियर डेली हमारी वहां पर सेवा करते थे और ये सेवा करने वाले वहां पर सबसे ज्यादा हरियाणा प्रदेश। इन प्रतियोगिताओं को हम बहुत अधिक बढ़ावा देते हैं क्योंकि फर्स्ट एड के माध्यम से किसी की जान बचाई जा सकती है। कभी भी कोई भी सर्दी होती है, कोई भी आपदा आती है, कोई भी सड़क दुर्घटना होती है, अगर आपको फर्स्ट एड की जानकारी है तो आप उसकी जान बचा सकते हैं। डॉक्टर के पास ले जाने से पहले जो आप मदद कर लेते हो वो उसका जीवन बचता है। अगर आप उसकी वो मदद नहीं कर पाते तो डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, वो प्रॉपर मदद उसकी नहीं हो पाती और उसकी प्राण निकल जाते हैं। आप रियल वॉलेंटियर हैं। आप मानके चलिए रेडक्रॉस सेंट जॉन विश्व की सबसे बड़ी मानव सेवा की संस्था है। इससे बड़ी कोई संस्था नहीं है। इसका सदस्य बनना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जब आप इसके सदस्य बन जाते हैं तो आपके कैरेक्टर वेरिफिकेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती और आपका जब कभी बाहर विदेश में जाना पड़ता बच्चों को तो उनका वीजा तुरंत रहता है क्योंकि आप ऐसी सामाजिक संस्था के साथ जुड़े हुए हो। इसलिए ज्यादा से ज्यादा रेडक्रॉस के साथ जुड़े। रेडक्रॉस सरकार के सहयोगी संगठन के रूप में काम करता है और सरकार की सभी गतिविधियों को रेडक्रॉस आगे बढ़ाती है। देश में रेडक्रॉस सरकार का सबसे मजबूत संगठन है। इसलिए मेरी अपील है कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में रेडक्रॉस सेंट जॉन के मेंबर बनिए
देश सेवा में आगे बढ़िए, इससे बड़ा देश सेवा का प्रेरणा नहीं है। आज बड़ा हर्ष का दिन है और पर्सनली मुझे बड़ी खुशी है। 25वां जो सिल्वर जुबली प्रोग्राम है वो हमारे जिले को मिला, इसके लिए मैं महामहिम राज्यपाल जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और शर्मा जी का भी कि इन्होंने यहाँ पे आयोजन करने के लिए जो हमारी मदद की, उसके लिए शर्मा जी मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आभार करता हूँ। आप सभी इस आयोजन में आए विभिन्न जिलों से सभी प्रतिभागीगण, इंचार्ज साहबान, सेक्रेटरी साहबान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे उम्मीद है कि इस प्रायोजन में आप सभी अपनी इसको सक्सेसफुल बनाने में अपनी आहुति जरूर देंगे। एक बात मैं और आपको बोलना चाह रहा हूँ कि न सिर्फ ये गौरव का विषय था कि हमें इस बारे में चिंतित थे, इसी सिलसिले में हमारे इलेक्ट्रल सेक्रेटरी और पूरी जिला की टीम, जिसमें सभी ऑफिसर और सभी ऑफिशियल शामिल है, आपको किसी तरह की किसी बच्चे को, किसी टीम इंचार्ज को या किसी को किसी तरह की कोई समस्या ना हो, इसके लिए हमने पूरी तरह से पूरे बंदोबस्त किए हैं। और हम ये उम्मीद करते हैं कि आप इस हमारी इस मेहमान नवाजी का शायद अच्छा आनंद उठाएंगे, ये मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होने देंगे। प्यारे बच्चों, ये मौका है आपको याद दिलाने का। मैं आखिर में एक बात और बोलना चाहता हूँ कि जो रेड क्रॉस सोसाइटी है, जैसे एम्बुलेंस की जो हमारी वो है, इसका एक ही मकसद है और वो मकसद है मानव सेवा। और मेरा ये मानना है कि आज के दिन पृथ्वी पे अगर सबसे बड़ा कोई धर्म है तो वो है मानवता की सेवा। और मानवता की सेवा में जो भी तर्मित रहता है, मैं ये मानता हूँ कि इसने अपना जीवन सफल कर दिया। तो इसमें कुछ सरकारी कुछ गैर सरकारी संस्थाएं जो लगी रहती है, वो अपना न सिर्फ अपना निर्वहन करके अपना दूसरे पाके और मानवता की जो सेवा करते हैं, बल्कि वो अपने आप को भी धन्य महसूस करना चाहिए उनको, क्योंकि इससे बड़ा मेरे हिसाब से कोई भी समाज की सेवा के सिवा, मानवता की सेवा के सिवा कोई बड़ा धर्म नहीं है। रेड क्रॉस सोसाइटी खासकर जब भी आपदाएं होती हैं विभिन्न जिलों में या हमारे विभिन्न स्टेट्स में, तो ये खास बात है जो मैं मेंशन करना चाहता हूँ कि नागरों जिला ने अपना बढ़ चढ़ के योगदान दिया है, समाज सेवी संस्थाओं ने भी, प्राइवेट लोगों ने भी, बिजनेसमैन ने भी, जिसकी जितनी जितनी श्रद्धा दी, और आप हमारे तो हमेशा ही तैयार रहते हैं। इसके लिए मैं एक बार आपको फिर से दोबारा से आपका बहुत बहुत धन्यवाद दी और आपको मुबारकबाद देता हूँ कि ऐसे हौसलों में ऐसे मानवता की सेवा में आप कर लेते हैं। हमने माना बड़ी मुश्किलें हैं राह में, गम का बादल बहुत घनेरा, लेकिन एक दीपक अगर जल उठे तो कांप जाए सारा अंधेरा, कांप जाए सारा अंधेरा। तो पूरा ये एक टीम वर्क जो आप देख रहे हो, अगर आरंभ इस तरह से जितना अच्छा है तो इस आरंभ में किन लोगों के साथ साथ, क्योंकि मंच के माध्यम से सबका नाम लेना संभव नहीं है, पूरे जो जिला के अधिकारी हैं, पूरे रेड क्रॉस की टीम है और जो दूसरे जिलों से आए हुए रेड क्रॉस के हमारे साथी हैं, तो इन सब का इस आयोजन में बहुत बहुत जो जिसको हम कहते हैं कंट्रीब्यूशन है, तो उन सब का मैं इस मंच के माध्यम से जन जन का, कण कण का, मन मन का और जो पर्दे के आगे है, पर्दे के पीछे है, उस सारे लगन परिश्रम को हम नमन करते हैं, उनका धन्यवाद भी करते हैं। और जैसा सर ने बताया था कि ये एक मानव सेवा का काम करते हैं, सिर्फ एक पत्थर पड़ा रास्ते में ठोकर लगा के गालियां देके हर कोई निकलता है, लेकिन हम वो है उस पत्थर को रास्ते से हटा करके उसका कुछ न कुछ निर्माण करते हैं। वही सेवा, वही जज्बा, वही चीजें आप में भरने के लिए हेल्थ सर्विस फ्रेंडशिप के मोटो के साथ ये रेड क्रॉस आगे बढ़ेगा और उसमें सबसे ज्यादा जो भागीदारी रहेगी आप सब युवाओं की रहेगी, आप सब यूथ की रहेगी। अगर ये आयोजन सफल हो रहा है, अच्छा हो रहा है, तो सबसे ज्यादा धन्यवाद के पात्र आप लोग हैं, जिनकी वजह से हम इतना अच्छा